और दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी इन्फॉर्मर ड्रीम 11 पे। आज हम बात करेंगे फुटबॉल मैच की जो खेला जाएगा लिवरपूल और बर्नली के बीच में शाम में 5 बजे। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा लिवरपूल एनफील्ड में। तो यहाँ पे लिवरपूल का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा ही भारी रहेगा और आप तो जानते हैं कि लिवरपूल काफ़ी मजबूत टीम है और बर्नली एक एवरेज टीम है, लेकिन प्रीमियर लीग का कॉम्पिटिशन हमेशा हाई रहता है। कोई भी टीम किसी भी टीम को अपने दिन पर हरा सकती है, लेकिन फिर भी अपन लिवरपूल को फेवरेट्स समझ कर ये टीम बनाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई लिवरपूल जो है अपने घर में खेल रही है, तो हाई चांसेस है कि लिवरपूल क्लीन शीट रखेगी। और लिवरपूल ने पिछले 3 मैचेस में क्लीन शीट भी रखी है और लिवरपूल बर्नली के खिलाफ पिछले 6 मैचेस लगातार जीती है। और इन 6 मैचेस में लिवरपूल ने बर्नली के खिलाफ हर मैच में 2 गोल भी स्कोर किए हैं। तो स्टेट्स के बेसिस पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि लिवरपूल ये मैच 2 या 3-0 से आराम से जीत जाएगी। और एक और मैच फैक्ट ये है दोस्तों कि जो बर्नली का स्ट्राइकर है क्रिस वुड, उसने पिछले 7 मैचेस में लिवरपूल के खिलाफ गोल नहीं स्कोर किया है। और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि लिवरपूल क्लीन शीट रखेगी, उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लिवरपूल के चारों डिफेंडर को लेना चाहूँगा क्योंकि मजबूत टीम है। अगर क्लीन शीट रख लेती है तो क्लीन शीट के पूरे 20 से 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से सबसे पहले अलेक्जेंडर अर्नोल्ड राइट बैक पर रहेगा, वैन डाइक सेंटर बैक, मैटिप सेंटर बैक और टिसी मिकास रहेगा आपका लेफ्ट बैक पे। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों डिफेंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे लिवरपूल की तरफ से। टिसी मिकास एक यंग प्लेयर है लेकिन काफ़ी एनर्जेटिक प्लेयर है, उसने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था नॉर्विच के खिलाफ। कॉर्नर्स भी लेता है, शॉट्स ऑन टारगेट भी मारता है। तो मैं चारों डिफेंडर के साथ सेफ जाना चाहूँगा। आप चाहे तो 3 डिफेंडर 4 अटैकर के साथ जा सकते हैं, उस केस में आप चौथे अटैकर के रूप में थिएगो अल्कांटारा को पिक कर सकते हैं, जो कि इससे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो फिट हो गए, शायद खेल सकते हैं क्योंकि वो बिना गोल असिस्ट के भी बहुत पॉइंट्स देते हैं, थिएगो अल्कांटारा और जॉर्डन हेंडरसन, क्योंकि वो टैकल्स और नंबर ऑफ पासिस ही 80-100 कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके पॉइंट्स 30-40 तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो आप चाहे तो उनको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सेफ जाऊँगा चारों डिफेंडर के साथ। और अटैकिंग सेक्शन में मेरा फर्स्ट पिक रहेगा मोहम्मद सलाह, जो कि डिफ़ॉल्ट कैप्टन रहेगा। दूसरा अटैकर रहेगा मेरा डिएगो जोटा, अगर ये स्टार्ट करता है तो। अगर फर्मिनो स्टार्ट करता है तो मैं सीधा सीधा फर्मिनो को ले लूँगा। तीसरा रहेगा साडियो माने, जो कि डिफ़ॉल्ट वाइस कैप्टन रहेगा आपके लिए। और दोस्तों हम बात करें बर्नली के प्लेयर्स में, तो बर्नली में सबसे पहले आपको उसके गोलकीपर को लेना है निक पोप, जो कि अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ज़्यादा शॉट्स ऑन गोल सेव करेगा, कमज़ोर टीम का कीपर है। और उसके बाद मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा एशली वेस्टवुड, क्योंकि एशली वेस्टवुड ये अकेला ही एक ऐसा खिलाड़ी है बर्नली का जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो चाहे स्मॉल लीग खेलो। ये डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलता है लेकिन असिस्ट भी करता है, गोल भी करता है, पासेज भी कंप्लीट करता है। दूसरा मैं रहना चाहूँगा मैकनील को, जो कि टीम का लेफ्ट विंग पे खेलता है, तो काफ़ी इंपैक्ट वाला परफॉर्मर है ये भी। आप चाहे तो मैकनील की जगह ब्राउनहिल को ट्राई कर सकते हैं, जो कि राइट विंग पे खेलेगा, लेकिन मैं सेफ जाना चाहूँगा, मैं मैकनील के साथ जा रहा हूँ। और दोस्तों देखिए आखिरी प्लेयर में आपका कॉल रहेगा कि आप क्रिस वुड के साथ जाना चाहते हैं, हालांकि हमारे पास क्रेडिट भी नहीं बच रहे हैं। क्रेडिट आप दूसरी साइड पे क्रिस वुड को प्रेफर कर सकते हैं। क्रिस वुड देखिए स्ट्राइकर है लेकिन पिछले 7 मैचेस में वो लगातार फ्लॉप हुआ है लिवरपूल के खिलाफ, तो मैं क्रिस वुड को ड्रॉप करने का रिस्क लूँगा, लेकिन आपका कॉल रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो ड्रीमर पे वैसे भी क्रेडिट नहीं बच रहे हैं, तो उसमें मैं आप चाहे तो देखिए टर्कोस को ले सकते हैं, जो कि सेंटर बैक है, इसका ये रियल थ्रेट रहेगा, ये हेडर में गोल स्कोर कर सकता है, या फिर लोटन को ले सकते हैं। मैथ्यू लोटन देखिए एक्चुअली मैं राइट बैक पे खेलता है और ये टैकल्स इंटरसेप्शन के पॉइंट्स ज़्यादा ही देगा एज़ कम्पेयर टू टारकोविस के, लेकिन अगर टारकोविस ने हेडर में गोल स्कोर कर दिया तो हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सेफ जाऊँगा टारकोविस के साथ, इसका परसेंटेज सिलेक्शन भी हाई है। आप चाहे तो लोटन को ले सकते हैं इसकी जगह पर, या इसकी जगह पर आप चाहे तो ब्राउनहिल को भी ले सकते हैं अगर वो खेलता है तो, या जे रॉड्रिगेज भी ठीक ठाक प्लेयर है। ये आपका कॉल रहेगा आपको किसको लेना है, मैं थोड़ा सा सेफ जा रहा हूँ और ये मेरी टीम रहेगी दोस्तों। और कैप्टन में देखिए मोहम्मद सलाह तो डिफ़ॉल्ट कैप्टन है और डिफ़ॉल्ट वाइस कैप्टन है साडियो माने। आप चाहे तो डिएगो जोटा को भी कर सकते हैं, डिएगो जोटा भी अच्छा प्लेयर है, भले 60 मिनट खेलेगा लेकिन इंपैक्ट वाला परफॉर्मर है, 60 मिनट के अंदर भी वो गोल करके इजीली जा सकता है, बहुत ही क्लास खिलाड़ी है वो। आपका कॉल रहेगा, मैं सेफ जा रहा हूँ, बाकी आपका कॉल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।